देखे भाई। और हम अपने रूट पर हैं सुदेम भाई रोड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यानी के करीब आ गया सुदेम को देखा। जी भाई, भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो क्या हाल है आपके, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई ईद की नमाज में टाइम बहुत ज्यादा कम रह गया, आपका भाई जल्दी जल्दी व्लॉग स्टार्ट कर रहा है, तो बस अब चलते हैं ईद की नमाज के लिए। सो भाई सब घर से निकल गए थे। सुदेम भाई कैसा सीन है? ईद मुबारक। अभी थोड़ी है भाई, अभी तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अभी तो नमाज के लिए निकल गए हैं और टाइम हो रहा है 9:30 जमात है। तुम लोगों ने मेरे भाई को अरबी बना दिया यार। हम अरबी बन गए भाई जान, तो बस अरबी अमेरिका जाके अरबी आ गए भाई। अब जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ पर पार्किंग का बड़ा इशू हुआ, तो जाकर देखते हैं कहाँ पार्किंग मिलती है। सुबह ही गाड़ी हमने यहाँ पार्क करी है मेन रोड के ऊपर, और चलो सुदेम भाई रोड क्रॉस करो, लेट्स गो लेट्स गो। सो अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद थोड़ी सी अपोजिट साइड पे है, थोड़ी मस्जिद अपोजिट साइड पे है, तो अभी चलते हैं नमाज के लिए और देखते हैं कि क्या सीन बनता है। सो भाई ये जितना भी आप ट्रैफिक देख रहे हैं ना, ये सारा जो है क्या कहते हैं नमाज के लिए है, मस्जिद में जा रहा है। हमने गाड़ी इसलिए अपोजिट साइड पर लगाई क्योंकि हम ट्रैफिक से बचना चाह रहे थे। इफ़ हम मस्जिद के पास चले जाते ट्रैफिक में बचते हमारी नमाज ही निकलती, तो इसलिए हमने थोड़ा दूर लगा ली पार्किंग और वॉक करके हम मस्जिद तक जा रहे हैं। ये आ गई सामने मस्जिद, देखें, और ये है सामने की तरफ, सारे मस्जिद में जा रहे हैं। तो अब हम भी चलते हैं अंदर जल्दी जल्दी क्योंकि खुतबा स्टार्ट होने वाला है। सब भाई फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। आमीन 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 आमीन। तो लेट्स गो अंदर चलते हैं और नमाज अदा करते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक सुदेम भाई, ईद मुबारक। सब माशाल्लाह ईद मुबारक सबको भाई, मेरी तरफ से ईद हो गई है माशाल्लाह, सब ईद मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी भी नमाज हो चुकी है, तो अब शूज ढूंढने की बारी है। देखे भाई सब ईद मिल रहे हैं। रश देखें यहाँ पे भी होता है भाईजान, रश यहाँ पे भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। देख भाई यहाँ पे भी रश होता है, देख रहे हो। इतना रश है कि निकलना मुश्किल है भाई, इतना रश हो रहा है। आप लोग क्या समझते हैं अब्रॉड्स में ईद नहीं होती? ये देखें भाई, दिस इज कॉल्ड ईद। शुक्र अदा ये कर रहा हूँ कि हमें नमाज मिल गई, क्योंकि हम बिल्कुल एंड टाइम पे पहुँचे मस्जिद के अंदर और फौरन नमाज के लिए खड़े हो गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ मिल गई, क्योंकि आखिरी नमाज थी 9:30 जो थी हमने पढ़नी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अदा कर ली। सो भाई देखें सब नमाजी माशाल्लाह बाहर निकल के आ रहे हैं, ये जितना देख रहे हैं आप सब नमाजी हैं, ईद की नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने भी नमाज पढ़ ली है माशाल्लाह। हमारी पहली ईद हो चुकी है अमेरिका के अंदर, तो आपने देखा हमारी ईद ऐसी हो रही है, और अभी चलनी है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, लेट्स सी के क्या क्या करते हैं हम लोग। तो अब जा रहा हूँ मैं पार्किंग की तरफ। हमने जैसे कि दूर लगाई थी गाड़ी, तो अच्छी बात थी हमने दूर लगाई थी क्योंकि हमें नमाज मिल गई, अगर यहाँ हम गाड़ी लेके आते हमें नमाज नहीं मिलती। तो लेट्स गो। देम भाई कैसी लगी आपको ईद? भाई बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। ईद की नमाज कैसी लगी? है ना टाइम से पहुँच गए, हाँ एंड टाइम पे पहुँच गए, वरना तो लाड़े लग जाते। सुबह नमाज पढ़ के निकल गए थे और अब लेने आए हम घर के लिए मिठाई, तो पापा गए, यहाँ पार्किंग नहीं थी, तो आपका भाई यहाँ खड़ा हुआ है। ये हमारे हमाद भाई के बेटा, अस्सलाम वालेकुम माद, कैसे हैं आप? आपको बहुत शौक था ना वीडियो में आने का, उर्दू कम कम आती है। माद नमाज पढ़ ली आपने? किसके साथ पढ़ी? मेरे साथ तो नहीं पढ़ी, पढ़ी किसके साथ पढ़ी? बाबा के साथ। अच्छा भाई अम्मा थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं अभी खुल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस अभी खड़ा हुआ हूँ मैं, पापा का वेट कर रहा हूँ, वो मिठाई लेके आते हैं तो घर चलते हैं। मीठा तो नहीं मिला, तो अब हम घर की तरफ आ गए, वो दुकान बंद थी, तो बस अब करते हैं गाड़ी लॉक और चलते हैं ऊपर की तरफ, अम्मा से भी जाकर ईद मिलते हैं। हीरोइन
सो भाई अब हमारे घर में बन रही हैं पूरियां माशाल्लाह ईद वाले दिन फुल जोशो शोर से शोर होता है क्या होता है जोशो शोर जोशो खरोश से भाई फुल हलवा पूरी बन रही है नाश्ते के अंदर। तो अब हम खाएंगे नाश्ते में हलवा पूरी, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या कर रहे हैं पापा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हलवा पूरी बन रही है, हैं एंजॉयमेंट हो रहा है फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम, है ना? तो आप तो पहले तो ऐसे नहीं करते होंगे। हम तो कोई खाए नहीं हमारा, बस कमी शलवार भी नहीं पहन लिया। हाँ भाई, मम्मा भी ऐसे तैयार कभी नहीं हुई। 8 साल बाद भाई सब हमारी फैमिली की एक साथ ईद, जाहिर सी बात है सब खुश हैं। तो बस अब हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं भाई, अपने बाप के भाई को तो भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। सो भाई दस्तरखान सेट हो गया है, ये रे चने, ये रे हलवा पूरी। सुदेम भाई तो आपका भाई भी पहला निवाला, ले हलवा पूरी का मत डाली दीजिए चने। हलवा पूरी आपको भाई वैसे खाता नहीं है, लेकिन यार कसम से नूरी मुझे कल बोल रहा था, मेरा दोस्त है नूरी, वो मुझे कह रहा है मैं इंतजार कर रहा हूँ घर पे बैठा हुआ नाश्ते के लिए, तो चलना है भाई। तो नूरी भाई ये आपके साथ नाश्ता कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें। सो भाई हमने नाश्ता वाश्ता करके अब जा रहे हैं, हमारा सीन क्या सुदेम भाई? आवाज क्या चली जाती है आपकी वीडियो में, जब वीडियो बना के अबे यार कहता हूँ थोड़ी आवाज निकालो। तो हमारा सीन है बारबेक्यू का, तो हमारे जो नेबर्स हैं हम लोग मिल बांट के एक जगह जा रहे हैं, एक पार्क है वहां पर गेट टुगेदर है, तो हम जाएंगे वहां जाके बारबेक्यू करेंगे। तो इस वक्त टाइम हो रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 1:10, तो हम दोपहर में बारबेक्यू कर रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह आज मौसम बहुत अच्छा है, शुक्र करें बारिश नहीं हुई, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, बारिश कभी भी हो सकती है। तो बस अब मम्मा पापा का वेट कर रहा हूँ, वो आते हैं तो हम चलते हैं अपनी बारबेक्यू की लोकेशन पर, और बारबेक्यू की लोकेशन यहाँ से 45 मिनट दूर है। सुबह घर से निकल गए थे और हम अपने रूट पर हैं सुदेम भाई, रोड दिखाएं कितना माशाल्लाह प्यारा हुआ हुआ है, देखें हरियाली, देखें ग्रीन ग्रीन, हर जगह ग्रीन ग्रीन, क्योंकि अब गर्मियां हैं करीब और मजे का मौसम आने वाला है। तो अब तो मुझे बेसब्री से इंतजार नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास गाड़ी आ चुकी है और आज आपका भाई खुद ड्राइव करके, अब तो खुद ही ड्राइव करनी है। हर पापा पीछे बैठे हैं, पापा को दिखा, पापा आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो, पीछे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, और बस सुकून हो गया, वरना गाड़ी चला चला के तो थक जा। 8 साल से आप गाड़ी चला ही रहे हैं, बैठ के ऐसा लग रहा है बस सुकून हो गया। चलें बस अच्छी बात है भाई, पापा को सुकून हो गया, बेस्ट हो गया। तो बस अपनी लोकेशन पे जा रहा है, आपका भाई ड्राइव कर रहा है, मस्त हो के मजा आ रहा है इन रोडों पे चलाने का गाड़ी। तो बस चलते हैं भाई, पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, आपके भाई ने गाड़ी पार्क कर दी है और अब सीन ऐसा है कि अब आपका भाई जा रहा है व्यू देखने के लिए, और सर्दी इतनी ज्यादा हो गई है, आप लोगों की सोच, आपके भाई ने जैकेट पहन ली, तो अंदर चलते दिखाते हैं। वाह, मैं बोल रहा हूँ आंखें बंद कर लो, हैं आंखें बंद कर लो भाई, ये कह रहा आंखें बंद कर लो, ये होकर आ गया है। चुप, इन लोगों को थोड़ी आई आवाज, अभी चलते 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 भाई, ये कह रहा मुझे आंखें बंद कर लो, मैं आंखें बंद करके चल रहा हूँ, मेरा चश्मा गंदा हो जाएगा, कहीं टकरा ना जाऊं भाई। नहीं, क्या है मुझे बताओ, आया ही नहीं, मुझे पे यकीन नहीं, मैं कुछ भी कर, लोगों को दिखा दूं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह, पीसफुल पीस लो यार, ओए ओए कितना प्यारा बीच है लिटरली यार। What do they call the men's dress? Jubba. Jubba. Yeah. But I know the saris because I had a girlfriend once and she let me try one on. Oh, thank you. I appreciate you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. You're a lucky man. Yeah, she's my mom. Mom. Thank you. अंग्रेज आंटी हैं, एक क्या तीन आंटियां आई, वो मेरी मम्मा थोड़ी ट्रेडिशनल रेडी हुई हुई हैं, पाकिस्तानी स्टाइल सूट्स पहने हुए, मैंने जुब्बा पहना हुआ है। वो कहने लगी कि बहुत प्यारे लग रहे हैं आप लोग, क्योंकि यार यहाँ पर ऐसी चीज़ें पहनते नहीं है ना, तो जब पहनते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, अंग्रेज़ खास तौर पर, कि यार कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस यहीं पर हमारी तारीफ हुई, लेकिन सुदेम भाई कहाँ खड़े हैं, उसको देखें जैसा लग रहा है इसको कोई गम लगा हुआ है और ये बीच में खड़ा हुआ है। यहाँ चलते हैं देखते हैं कि क्या सीन है, सुदेम भाई और पापा सामने की तरफ है, वो देखे यहीं के लोग आए हैं, वहाँ बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं पूरा बीच, यार मिट्टी ज्यादा गंदी ना हो, नहीं सही है। पानी के करीब आ गया, सुदेम को देखा, इसकी हरकतें देखा क्या कर रहा है, सुदेम जूते गंदे हो जाएंगे, पापा इसको मना करे ना भाई। नहीं सुदेम नहीं भाई, बड़े टाइम बाद देख रहे हैं पानी, तो इसलिए ज्यादा खुश हो रहे हैं।
समंदर देखे हुए टाइम हो गया था, तो तभी सुनेम भाई इतना एक्साइटेड है। मैं सर्दी बहुत है, इसको मना कर रहे हैं कि तबीयत ना खराब हो जाए। तो अभी यहाँ सीन बारबेक्यू का नहीं है, बारबेक्यू बैक साइड पे पार्क बना हुआ है, वहाँ पे बारबेक्यू करेंगे। मैं इनको दिखाने ले आया था, मैंने आप व्यूवर्स को भी दिखा दूँ कि हम किस जगह पर आए। ये भाई आप सामने देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे ये माउंटेन है, बट ये माउंटेन नहीं है, ये ट्री हैं सारे, इतने बड़े बड़े, इतने लेंदी लेंदी, ये सारे दरख्त हैं, ये टोटल दरख्त बने हैं। मैं खुद हैरान हो गया सुनकर। तो भाई ये सीन है यहाँ पे बारबेक्यू का, ये पूरी जगह है, ये पार्क है जहाँ हम बारबेक्यू कर रहे हैं, और ये सब लोग सुनिए भाई कैसा लग रहा है, बेस्ट। तो ये देखें, ये सीन है, अभी इसको लगाते आग और उसके बाद करते हैं बारबेक्यू। सब खड़े हैं, सब बारबेक्यू का इंतजार कर रहे हैं। आपके भाई को डर लग रहा है, आपका भाई दूर आगे खड़ा हो गया, सुदेम भाई भी दूर आगे खड़े हो गए, क्योंकि ये फटने का डर होता है भाई अपने। सुदेम भाई वैसे आपस की बात है, हम डर रहे हैं इनको, इन लोग जो खड़े हुए हैं लोग यार, हाँ वो भी इंसान है, उनको नहीं डर लगा तो हमें कैसे, हम भी जाएंगे करीब, हम भी देखेंगे कैसे हो रहा है भाई। दैट सी देखो, लेके आ गए यहाँ पर, लगा रहे हैं सामान, रख दे रख दे, कोई मसला नहीं, ये रख दिया इस पे। अब ये हीट हो रहा है, तो ये हीट हो जाएगा तो तब हम इसको पकाएंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। ये आ गया दूसरा डेजा, इसके अंदर हाँ जी भाई, भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई, मुबारक हो। हम आप लेके आ गए बारबेक्यू के लिए, देखते हैं क्या होता है, पहली ईद है हमारी, तो भाई आपकी तो बनती रहती है माशाल्लाह, देखते हैं एंजॉय करते हैं क्या करते हैं। हाँ ये अभी हीट हो रहा है ना, नहीं ये बोल रहे 350 तक जाना चाहिए, हाँ ये 2 मिनट में चला जाएगा, थोड़ी हीट करेंगे तो उसे डिफ्यूजली हीट मिलेगी अंदर तक, और सर ऊपर से बंद भी हुआ है, कच्चा कच्चा रह जाएगा। ये कितने पे होनी चाहिए, 350 ना, 350 लकड़ है, पत्थर है, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा रंग चेंज कर दें बस मिल जाए कुछ खाने को। अरे भूख लग रही है, ऑफ कोर्स ब्रदर, आई एम स्टारविंग माय ब्रदर, आई एम स्टारविंग माय ब्रदर, आई एम स्टारविंग माय ब्रदर, आई एम गोना गो डाउन राइट हियर। ये फजूल में कम ऑन ब्रो, कम ऑन ब्रो। तकरीबन तैयार हो गई है भाई, थोड़ी थोड़ी सी रह गई, अरे ये जल्दी निकले यहाँ से, ये ऑयल नहीं था हमारे पास, हाँ ये अच्छा, हाँ यस ऑयल नहीं था ना, तभी वरना तो वैसे दिखने में सही लग रही है। बस पानी पी लो, जो मुंह में पानी आया ना वो पी लो, इसके लिए आया पानी। अच्छा इसके लिए आया, ये देख के आया पानी। नान किधर गर्म करेंगे, इधर ही ये रोटी लग रही है, देखें इस तरीके से रोटी लगा रहे हैं, ये अलग चूल्हा है, वो अलग चूल्हा है, तो रोटी पे ये है ना, आज आपको तो सुकून मिला हुआ, रोटी बना रहे हो क्या ना, धूप निकली है, सुकून मिल गया, क्योंकि बहुत कम निकलती ना। सही है भाई, क्यों भाई हर साल करते हैं, अच्छा तो कुर्बानी कहाँ करते हैं वैसे, मतलब वैसा तो नहीं है कराची पाकिस्तान वाला कि पालो लेके रख लो, ऐसा नहीं है, वो एक लोकेशन बनी हुई है। अच्छा 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 ऐसा सीन, मतलब बारबेक्यू बकरा ईद पे भी करते ही हैं, हर ईद पे ही, और कोई करता है अगर आपकी मर्जी है, हाँ ये है मर्जी है, सही कह रहे हैं ये भाई। यहाँ पे यही सीन है कि बारबेक्यू ईद वाले दिन भी करते हैं, बकरा ईद पे भी करते हैं, और लेकिन बकरा ईद का सीन अलग है, बकरा ईद पे मीट जो है ना वो मीट शॉप से लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि पालें खरीद के लाएं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। तकरीबन तैयार हो गए, और आपका भाई रोटी रख के उसके ऊपर ये चिकन का पीस रख के खा रहा है, सब ऐसी वहाँ पर ले रहे हैं, लेडीज लोग को खिला दिया था, अब हमारी बारी, हम तो ऐसी खाएंगे भाई, इसमें बड़ा मजा आ रहा है ऐसे खाने में। सुबह फाइनली रेडी हो चुके हैं, सब ने खा लिया था, हमाइयों भाई और मैंने नहीं खाया था, अब हम बैठ के खा रहे हैं, हमने सब कुछ सर्व किया, अब हमारी बारी है, हम बैठ के खाएंगे और सब हमें सर्व करेंगे, तो बस अब ये खाते हैं फिर आपको मिलते हैं। क्या है प्लेइंग टाइम, मतलब कि क्रिकेट टाइम, गुड भैया शुरू हो जाए, इनकी टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी, लेकिन बहुत छोटा नहीं है, छोटी भैया फास्ट बॉल होनी चाहिए, फुल फास्ट बॉल, बॉलिंग कराओगे हराना के बाद हमने क्रिकेट खेलने का सोचा भैया, किसी को बॉल नहीं लग जाए ये डर है बस,
ये अब आप किसकी टीम में? आप किसकी टीम में? मैं दूसरी वाली टीम है। अच्छा चलो भैया जुब्बा पहना मैं देख के। 3, 2, 5 बॉल। भैया ये क्या बॉल करा रहे हो? हमाद भाई और हमारे भाई की अलग टीम है बस। नहीं ना एक ही है, एक ही है। तुम भी कर रहे हो फील्डिंग। अबे मैं भी फील्डिंग कर रहा हूँ, कैमरा मैन हूँ थोड़ा सा। चार चार ओवर भी ठीक है। चलो चार चार सफर है सफर। हारिस भाई आप किसकी टीम में? हारिस भाई आपके इनकी किसकी टीम में? हरीश भाई जी किसकी टीम? वी आर भाई रेडी हैवी। नाइस 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 भैया यार बोल लो यार ऐसी बोल नहीं कर रहा हूँ चक्का मारेंगे ना ऐसा नहीं होता यार। पहली बॉल है अभी रुक जाओ सबर करो अभी आउट करते हैं। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन ना लो ना दो। भाई आपके भाई की बॉलिंग खत्म हो गई, आपके भाई ने 6 बॉलें करा ली। अब बात भाई ये अब जाते हैं ये बॉलिंग कराएंगे। मत भाई आउट करके आइएगा भाई, अब ये कराएंगे बॉलिंग। ओ पापा वो खड़े वो साइड में सुदेम वो खड़ा हुआ खाने के बाद सही ठीक ठाक वर्दिश हो रही है। बेहतरीन बेहतरीन आउट कर दिया भाई पहली बॉल पर आउट कर दिया। बेहतरीन बेहतरीन बॉलिंग बेहतरीन। ये जा रही है सेकंड बॉल और ये ओ अरे वायु भाई शिट पकड़ा यार। सो भाई अब सुदेम भाई आए बॉलिंग कराने के लिए, फुल खतरनाक जैकेट शैकेट उतार दी उन्होंने, देखते हैं क्या तीर मारते हैं। लेट्स गो सुदेम भाई वहां से करानी है। यस स्टार्ट ये सुदेम भाई से बॉलिंग कराई नहीं जा रही। अभी देखिएगा सुदेम भाई की बॉलिंग ये कैसी कराएंगे। ये देखें वैसे बोलते ही जा रही उनसे खेलने नहीं जा रहा लेकिन बॉलिंग बड़ी बेकार करा रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है खेलने में क्रिकेट क्योंकि बड़े टाइम बाद मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, बहुत टाइम बाद, वो भी अब इतने टाइम बाद खेल रहा हूँ तो अमेरिका के अंदर। ये अरे मिट्टी से खेल रहे वो तो भाई खतरनाक बॉलिंग करानी है पापा। भाई पापा की बॉलिंग आ गई है, पापा बॉल करा रहे हैं, देखते हैं पापा क्या करते हैं, आउट करते हैं नहीं करते। ये पापा ने बॉलिंग कराई, पापा भी बड़े टाइम बात कर रहे तो हो रहा है पापा के साथ भी वो डेड बॉल हो रही है। ये ओए ओए आउट हो गए आउट हो गए। बेहतरीन पापा ने बॉलिंग कराई आउट हो गए भाई। वेरी नाइस पापा। सी तेज बाजू अपना ही है नाइस हम लोग जीत गए मैच उन लोगों से, उनके थे 25 का टारगेट था। आपके भाई ने इतना अच्छा खेला कि छक्के चौके मारे, मैच ड्रॉ हो गया, मतलब मैच जीत गए, ड्रॉ बोल रहा हूँ, हम लोग जीत गए। खड़े में बातें कर रहे हैं ऐसी नहीं नजर आएगा तुम्हें, बहुत दूर एक घर बना हुआ है सामने की तरफ ना, वो बिल्कुल सिंगल बना हुआ, मैंने इसको बोला वहाँ लोग रहते हैं, वो यहाँ के लोग जो ना ऐसी जंगलों में बहुत दूर दूर घर बने होते हैं वहाँ रह रहे होते हैं। सुदेम भाई को मैं यही बता रहा था भाई इस तरीके से सामान लेकर आते हैं। ये देखिए गाड़ी के अंदर सारा सामान था, ये अंगीठी वगैरह सब इसमें लेके आया था, ये देखें इस तरीके से लेके आते हैं यहाँ पर। सो भाई फाइनली आ गए हैं घर, बड़े थक हार के गाड़ी कर दिए पार्क, तो बस अब ऊपर चलते हैं, बड़ा थक गए यार कसम से। आज मज़ा भी बहुत आया, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा व्लॉग आज का, तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डू सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।